हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीन पारुल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडी पास्ता की रेसिपी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बाउल ऑफ पास्ता है और मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप कोई से भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, मैकरोनी ले सकते हैं। आप मीडियम ही गैस रखिएगा, उसमें आप डाल दीजिए पास्ता बॉयल होने के लिए। उसके अंदर एक टेबल स्पून आप ऑयल डाल दीजिए, बिकॉज पास्ता एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। और एक टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए, इससे बॉयल पास्ता बहुत जल्दी बॉयल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मैंने कौन कौन सी वेजीज पास्ता के अंदर डाली है। ओनियन, टमाटोस, पोटैटोस एंड कैप्सिकम। आपके पास जो भी वेजीज हैं आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन स्टाइल का पास्ता बना रहे हैं तो मसाले भी उसके अंदर इंडियन स्टाइल के ही डालेंगे। और मैंने लिया है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड टमाटो सॉस एंड जीरा पाउडर। अब आप देख सकते हैं पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है। एक पैन में आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम डालेंगे ओनियन। आप देख सकते हो सब अच्छे से अलग हो गए हैं ओनियन। इसके बाद हम डालेंगे उसमें पोटैटोज, क्योंकि ओनियन एंड पोटैटो थोड़ा सा टाइम लेते हैं स्टीम होने में। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए ऑयल में और इसको कवर कर दीजिए। ओनली फॉर 5 मिनट्स आप इसको कवर करके रखिए। अब आप पैन का ढक्कन हटा के देखिए, अच्छे से आलू और प्याज हो गए हैं। आप इसको प्रेस करके देख लीजिए, अगर हो गए हैं तो इसके अंदर अब हम डालेंगे कैप्सिकम। एंड टमाटोज। कैप्सिकम और टमाटो को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ऑयल में, क्योंकि थोड़ा सा रॉ वेजीज हो तो वो अच्छी लगती है। गैस को आप एकदम हाई फ्लेम पे कर लीजिए और अच्छे से इसको सॉटे कर लीजिए सारी वेजीज को। अब हम इसमें डालेंगे, जब देख लेते हैं वेजीज अच्छे से हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने सबसे पहले डाला है जीरा पाउडर, अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी, वन टेबल स्पून ऑफ रेड चिली। आप अपने स्वाद के हिसाब से चिली बढ़ा भी सकते हो। और 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर आप विनेगर या रेड चिली पाउडर, रेड केचप या ग्रीन केचप या सोया सॉस डाल सकते हैं। बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी फैमिलीज़ के पास ये सारे सॉसेज अवेलेबल नहीं हैं, तो मैंने इसके बिना ही आपको बना के दिखा रही हूँ कि लॉकडाउन में भी हम बहुत ही अच्छा देसी स्टाइल का पास्ता घर पे ही बना सकते हैं। मैंने सिर्फ टमाटो सॉस डाला है इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको डाल देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉस बन गया है, वेजी सॉस। और आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं या आप इसको हल्की फुल्की भूख में भी आप कभी भी इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही मिनिमम चीज़ों के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई है, आप देख सकते हैं। अब मैं पास्ता को गार्निश कर रही हूँ कोरिएंडर से, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको ये रेसिपी। गर्मा गर्म खाइए पूरे परिवार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।